15 अगस्त को भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। धोनी ने सोशल मीडिया पर एक गाने के साथ 7:29 पर संन्यास का ऐलान किया। इसके कुछ मिनट बाद ही तूफानी बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने माही को चिट्ठी लिखी थी, अब सुरेश रैना को उन्होंने पत्र लिखा है। इस चिट्ठी में पीएम ने रैना को शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा सुरेश रैना के टीम इंडिया के योगदान को भी याद किया। टीम इंडिया के तूफानी बल्लेबाज और चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना ने पीएम मोदी की चिट्ठी को ट्विटर पर शेयर किया और धन्यवाद किया है। रैना ने लिखा है, जब वो खेलते हैं तो हम अपना खून और पसीना बहाते हैं। इस देश के लोगों और देश के पीएम द्वारा पसंद किए जाने से बेहतर कुछ भी नहीं। शुभकामनाओं के लिए पीएम का धन्यवाद, मैं उन्हें आभार के साथ स्वीकार करता हूँ। पीएम मोदी ने रैना की साल 2011 वर्ल्ड कप में खेली गई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल की पारी को याद किया। उन्होंने लिखा है कि कैसे अहमदाबाद के मैदान पर उन्होंने अहम पारी खेली थी। इसके अलावा पीएम मोदी ने रैना के T20 क्रिकेट में दिए गए शानदार योगदान की तारीफ की है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने धोनी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि एक साधारण परिवार से आए और उसके बाद अपने खेल की बदौलत पूरे विश्व के परिदृश्य पर छा गए। इसने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि साधारण परिवार से आने के बाद भी आपका चमकना लाखों हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा से कम नहीं। उन्होंने कहा कि आपका परिवार आपके नाम से जाना जाता है, ये किसी भी मायने में कम नहीं। उन्होंने साल 2007 में भारत की T20 वर्ल्ड कप जीतने का भी जिक्र किया और कहा कि उस विश्व कप को भी पूरा भारत कभी भूल नहीं सकता। इसके साथ ही क्रिकेट इतिहास में आपका नाम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में, सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में और शानदार विकेटकीपर में आएगा। पीएम ने यह भी कहा कि 2011 वर्ल्ड कप फाइनल तो कई पीढ़ियों तक लोगों को याद रहेगा। 15 अगस्त को जब धोनी ने अपने अंदाज में संन्यास का ऐलान किया, उसके कुछ ही देर बाद सुरेश रैना ने भी रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए सबको चौंका दिया था। अब दोनों ही खिलाड़ी पीली जर्सी यानी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। इनफॉर्मल चैट्स, लंबा लंबा ज्ञान, इतना लंबा वीडियो आखिर कब तक? पॉइंट पे आओ ना यार, मुझे बेकार का ज्ञान नहीं सटीक खबर चाहिए। अगर आप भी इनकी तरह बोरिंग चैट्स और लंबे लंबे वीडियोस से परेशान हैं तो सब्सक्राइब करें NN Sports।